जो टॉपिक है जो जनरली थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते हैं तो उसी समय पढ़ा देते हैं, बट यहाँ रेजोनेंस में इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद पढ़ाते हैं, बिकॉज कुछ कंसेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी से मैच करता है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है और 2 से 3 लेक्चर्स में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों, एक हीट ट्रांसफर जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स के बाद पढ़ाना चाहिए। इसमें क्या है, हीट ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर होगा, तो ये रिलेटेड है करंट जैसा है कि करंट में चार्ज ट्रांसफर होता था, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये ट्रांसफर का बच्चों 3 मेथड है, हीट ट्रांसफर का। देयर आर 3 मेथड्स। वन इज कॉल्ड कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा बच्चों रेडिएशन। ठीक है, अब जो करंट से रिलेटेड है वो थोड़ा सा कन्वेक्शन रिलेटेड है, इसलिए इसको मैं करंट के बाद पढ़ा रहा हूं, बट बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं, इसमें बहुत सारे इसका खुद का कंसेप्ट है। स्पेशली रेडिएशन, जेई में रेडिएशन पे सवाल आते हैं, कंडक्शन पे पहले आते थे, आजकल कम आते हैं। क्लियर, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। कंडक्शन बहुत छोटा सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, बस 2 मिनट का टॉपिक है, तो हमारा जो फोकस रहेगा इस पे रहेगा और इस पे रहेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों कंडक्शन से, हीट ट्रांसफर। कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर के लिए मुझे मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा, जैसे एक रॉड है और इस रॉड का सपोज इनिशियली टेम्परेचर जो है वो सपोज 25°C है, रूम टेम्परेचर। तो अगर मैंने यहाँ पे थर्मामीटर लगा दिया, यहां भी एक थर्मामीटर लगा दिया, ऐसे 3-4 थर्मोमीटर लगा दिया जो टेम्परेचर मेजर करता है, 1, 2, 3, 4, सारे का रीडिंग अभी इक्वल है। अब यहां पे हमने एक बर्नर ऑन कर दिया, तो हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा है। बताना, अगर हमने यहाँ पे हीट एनर्जी सप्लाई करना शुरू किया और ये सपोज मेटल का बॉडी है, मेटल रॉड है, सो व्हाट विल हैपन, क्या सडनली सबका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा या स्लोली इंक्रीज होगा? स्लोली इंक्रीज होगा। तो अगर मान लो अभी T=0 पे सपोज मैंने अभी हीट करना शुरू किया, इनिशियली सबका टेम्परेचर 25°C है, 10 सेकेंड बाद किसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा? फर्स्ट थर्मामीटर। और 2 का भी थोड़ा बढ़ जाएगा, इसका सपोज 35°C हो गया, इसका हो सकता है 25 से 30° हुआ है, इसका 28 रहा होगा और इसका कुछ अभी भी 25 या 26 रहा होगा, ऐसा कुछ होगा, इजंट इट? हाँ सर। यस सर। तो जैसे जैसे बच्चों हीट कर रहे हैं क्या हो रहा है, टेम्परेचर सबका इंक्रीज कर रहा है। कहने का मतलब अलग अलग पॉइंट का टेम्परेचर अलग रहेगा बट इंक्रीज करेगा। ओके, अब इधर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स हीट एनर्जी जा रहा है बच्चों यहां से हम। ओके, तो कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर कंसीडर करें तो यहाँ जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं बच्चों इधर जा रहा है, तभी तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो इस टाइप से जो ट्रांसफर होगा हीट, उसको बोलेंगे कंडक्शन। तो अगर सर कंडक्शन का मैकेनिज्म क्या है?
आज ये कंडक्शंस कंप्लीट ही कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक है। व्हाट इज द मैकेनिज्म? बच्चों अगर ये एटम जो है हीट एनर्जी लिया और हीट एनर्जी लेने के बाद क्या होता है, वो उसका वाइब्रेशन बढ़ जाता है या घट जाता है या कॉन्स्टेंट रहता है? उसके पास एनर्जी ज्यादा हो गई। सो ये एटम जब हायर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा तो बगल वाले एटम से थोड़ा कोलाइड करेगा, धक्का देगा उसको, है ना? सो इट विल कोलाइड विद द नेबरहुड एटम। तो कुछ एनर्जी जो इसके पास ज्यादा एनर्जी आ गया था, कुछ एनर्जी क्या किया उसको ट्रांसफर कर दिया दूसरे एटम को, वो भी अपना एनर्जी थोड़ा ज्यादा एनर्जी से वाइब्रेट करना शुरू करेगा, वो तीसरे को ट्रांसफर करेगा, एंड काइंड ऑफ थिंग सारे एटम एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आया कंडक्शन मेथड? यस सर। एटम यहाँ पे है एक जगह पे, इसको एनर्जी मिला, ऐसे ऐसे वाइब्रेट किया, थोड़ा सा वाइब्रेट किया तो इसको बगल वाले को एनर्जी दिया कोलाइड करके, फिर बगल वाले को मिला तो वो भी वाइब्रेट किया, तो ऐसे ट्रांसफर होता है। जैसे अगर सिंपल से कहा जाए कि मान लो सबको कुछ सामान है यहाँ से कुछ दूर ले जाना है और रास्ते में 20 आदमी को बैठ खड़ा कर दिया, है ना, इससे होता है ना, ईंट ले जाना हो और सबको खड़ा कर दिया गया, तो क्या क्या, एक ने इसको दिया, इसको लिया, इसको दे दिया, फिर ऐसे करके जा रहा, तो हीट एनर्जी ऐसे ही ट्रांसफर हो रहा है। मतलब यहाँ पे कोई मटेरियल ट्रांसफर इस केस में नहीं, मटेरियल ट्रांसफर नहीं हो रहा बट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। सो देयर इज वन मैकेनिज्म। पहला मैकेनिज्म क्या हुआ, क्या बताया बच्चों? एटम्स वाइब्रेट विद द ग्रेटर एम्पलीट्यूड, इट कोलाइड विद द neighborhood atom and transfer some energy, and in this way energy transfer propagates in the medium। pehla concept clear apne language mein likh loge? apne language mein likh lo bachcho। मैंने क्या लिखा, आफ्टर रिसीविंग एनर्जी या जो भी जैसे भी दूसरे एटम से एनर्जी रिसीव करने के बाद एटम वाइब्रेट्स विद द ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड देन इट कोलाइड विद द नेबर्स एटम, इन द कोलिजन प्रोसेस इट ट्रांसफर एनर्जी टू द नेबर एटम। ओके बच्चों, बट इन केस ऑफ मेटल, इन केस ऑफ कंडक्टर दूसरा मैकेनिज्म, केस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो पार्टिसिपेट, इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द हीट ट्रांसफर, इनफैक्ट it plays dominant role in heat transfer। तो कैसे, तो यहां पे electrons energy लिया और ये electrons थोड़ा freely move कर, atom तो बस अपने जगह पे vibrate कर रहा है, ये electrons तो move कर सकते हैं material में, so ये energy लेकर के ये गया किसी दूसरे को दिया, फिर यहां पे दूसरा electrons इधर आया, ये energy लिया इधर गया, electrons move करने वाला चीज, वो फ्रीली मूव कर रहा है। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिया, ये इधर जाएगा एनर्जी के साथ, इधर एनर्जी ट्रांसफर करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाला इधर आया और फिर इधर जाएगा,
सो इलेक्ट्रॉन्स प्ले डोमिनेंट रोल इन हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ कंडक्टर. दैट्स व्हाई कंडक्टर्स आर गुड, कंडक्टर्स हैव गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट ट्रांसफर कंपेयर टू द इंसुलेटर. अगर सिर्फ एटम के वाइब्रेशन से होता तो सब में हीट ट्रांसफर सेम रेट से होता, उसकी कंडक्टिविटी हीट ट्रांसफर की कंडक्टिविटी इक्वल होती लगभग. बट मेटल्स हैव, मेटल्स जो है गुड कंडक्टर होता है हीट ट्रांसफर का, हीट का. क्लियर, लिख लेना. इलेक्ट्रॉन्स तो ये बच्चों हो गया मैकेनिज्म. आगे बढ़े, तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है मुझे बच्चों? मैंने कहा कि ये स्टार्टिंग में जैसे ही मैंने हिट किया और व्हेन बर्नर इज स्विच्ड ऑन, टेम्परेचर ऑफ all the thermometers starts increasing, although their reading will be different, but keep on increasing. After some time, what you will find, ध्यान से सुनना, after some time, you will find that reading of all the thermometer becomes constant. After some time, you will find that reading of all the thermometer becomes constant, but डिफरेंट रहेगा. डिफरेंट का मतलब आफ्टर सम टाइम, सपोज इसका रीडिंग हो गया 100 डिग्री सी, तो इसका हो जाएगा 80 डिग्री सी, इसका हो जाएगा 70 डिग्री सी, इसका हो जाएगा कुछ 60 डिग्री सी, काइंड ऑफ थिंग, और कांस्टेंट हो जाएगा. जब ये सिचुएशन रिसीव करेगा बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट. जब हम हीट एनर्जी दे रहे हैं एक एंड से, यहाँ पे एनर्जी दे रहा है, और यहाँ पे बच्चों कोई सिंक होगा. सिंक का मतलब यहाँ एनर्जी रिसीव कर रहा है और यहाँ पे एनर्जी सप्लाई कर रहा है. इन स्टेडी स्टेट व्हाट विल हैपन, रीडिंग टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स बिकम्स कॉन्स्टेंट, बट इट विल बी डिफरेंट. बच्चों डिफरेंट है इसका मतलब कहेंगे कि टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट है. ग्रेडियंट का मतलब क्या कहेंगे कि जैसे जैसे इधर जा रहे हैं टेम्परेचर चेंज हो रहा है. तो हीट एनर्जी ट्रांसफर कहां से कहां होता है बच्चों? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में. तो अगर हीट एनर्जी यहां से ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट. जैसे अगर मैं कहूं कि पानी वाटर का फ्लो कराना है खुद से, तो अगर पाइप ले लिया, अगर हॉरिजॉन्टल पाइप रख दिया से, उसमें पानी तो नहीं जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो, लाइक ग्रेडियंट है, स्लोप है, तो वाटर अपने आप फ्लो होते रहेगा. तो वैसे ही यहाँ पे भी टेम्परेचर का अगर डिफरेंस रहेगा, देन हीट विल ट्रांसफर. यहां तक क्लियर बच्चों? यस सर. सो मैं पूरा जो चैप्टर पढ़ना है वो हीट ट्रांसफर इन स्टेडी स्टेट पढ़ना. इसको लिखे टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पॉइंट ओके. दूसरा पॉइंट
अच्छा, जब कांस्टेंट है टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस क्रॉस सेक्शन से कुछ एनर्जी आ रहा है ना, कुछ एनर्जी इन कर रहा है, तो क्या हम बता सकते हैं कि दूसरे क्रॉस सेक्शन से उतना ही एनर्जी बाहर जा रहा होगा? Yes, sir. क्यों कहेंगे? बिकॉज हमने देखा कि इसका जो भी टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी का एक्युमुलेशन नहीं। और हम एक आइडियल सिचुएशन अभी कंसिडर कर रहे हैं कि हीट एनर्जी का जो लॉस है, मतलब अभी ट्रांसफर का जो मेथड है ओनली कंडक्शन है, किसी और मेथड से हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो अभी आइडियल सिचुएशन ले रहे हैं। सो इन दैट केस जितना एनर्जी इस क्रॉस सेक्शन से जाएगा बच्चों, उतना एनर्जी इस क्रॉस सेक्शन से बाहर जाएगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ हीट एनर्जी इन एनी वॉल्यूम। तो वैसे ऐसा क्यों कहेंगे? बिकॉज उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। So, आज टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, दिस इंप्लाइज नो एक्युमुलेशन ऑफ एनर्जी in any volume. So heat transfer through any cross section area will be same. अच्छा, ये लॉजिक क्लियर चेतना? हाँ सर। अगर मैं कहूं कि बिफोर स्टडी स्टेट, बिफोर स्टडी स्टेट जब टेम्परेचर सबका बढ़ रहा था, उस केस में क्या होता? उस केस में कुछ एनर्जी यहां से क्रॉस किया, उससे कम एनर्जी यहां से क्रॉस करेगा, बिकॉज बचा हुआ एनर्जी जो है वो इस मटेरियल के टेम्परेचर को बढ़ाने में चला जाए, है ना? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसको एनर्जी चाहिए ना, एम एस डेल्टा थीटा। बिफोर स्टडी स्टेट इससे जितना होगा हीट ट्रांसफर, उससे कम इससे होगा, उससे कम इससे होगा। आफ्टर स्टडी स्टेट ये होगा। तो ये बच्चों लिख लो, ये आसान सा टॉपिक है। मिटा दो ना इसको, साक्षी सुन रहे हैं, इसे मिटा दो ना। तो मिटा भी दिया। यस सर, लिख लिया। जो चैतन्य कौन से डेट का या कौन सा लेक्चर मैंने अपलोड नहीं किया है? सर सैटरडे को, सर सैटरडे का क्या पढ़ाया था? सैटरडे को सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाया था सर। हुआ है वो? मुझे लगता है अपलोड हो गया है सर, मुझे जहां तक था। चलो बच्चों, तो अभी हम लोगों ने कहा कि हीट ट्रांसफर इन स्टडी स्टेट में क्या होगा कि अगर रॉड है तो एवरी क्रॉस सेक्शन एरिया से सेम हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा, ठीक है? हमें निकालना है बच्चों कि कोई भी रॉड है, कोई भी मटेरियल है, ये सपोज हाई टेम्परेचर T1 है और लो टेम्परेचर T2, सो हीट विल ट्रांसफर इन दिस वे, तो हीट ट्रांसफर पर सेकेंड तो इसको मैं बोलूंगा बच्चों हीट करंट। हीट ट्रांसफर पर सेकेंड को मैं रिलेट करूंगा हीट करंट से एंड वी डिनोटेड बाय एच। जो रोल वहां पे आई का होता था,
जो रूल वहां पे आई का होता था यहाँ पे क्या होगा एच का होगा। ठीक है, बहुत आसान से टॉपिक है, बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लोगे और अच्छी वर्मा से जाके आज इस चैप्टर को सॉल्व ही कर जाना पूरा। ये बताओ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा क्या, कितना हीट ट्रांसफर होगा? कहोगे यस सर, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा बच्चों उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। एच विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। यहां बताओ टेम्परेचर डिफरेंस किसका रोल प्ले करेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करो तो पोटेंशियल डिफरेंस। देखो सब लोग ब्रिलियंट है, सबको पता चल रहा है, बताओ पढ़ाने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों बताओ कि हीट ट्रांसफर का रॉड लंबा है तो ज्यादा होगा या कम होगा, रॉड का लेंथ बड़ा होगा तो कम होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होगा, है ना। और बताओ अगर हीट ट्रांसफर एरिया ज्यादा है तो ज्यादा पाथ है जाने का, तो हीट ट्रांसफर एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। कौन सी बड़ी चीज मैं कर रहा हूँ, ये तो तुम ही कर रहे हो। और बच्चों एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, डिपेंड करेगा कि मटेरियल कैसा है, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को के से डिनोट कर, एंड दिस के इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। इज इट क्लियर? सो हीट ट्रांसफर बच्चों ये हो जाएगा। और अभी हमने जो लिया है बहुत सिंपल सा केस लिया बच्चों कि ये पूरा रॉड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन या ए है, पूरे रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी के है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि ये चेंज करे, एरिया चेंज हो रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी कंटिन्यूअसली चेंज होगा, सो उस केस में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखना प्रीफर करेंगे। एच इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 को लिख लेंगे बच्चों dt अपॉन l लेंथ, तो छोटा सा लेंथ लेंगे dx। बच्चों ये dt नहीं है, माइनस dt है, इनिशियल माइनस फाइनल लिखा है, हाई माइनस लो, तो ये हो जाएगा माइनस, बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज करेगा जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में हीट करंट होगा, तो ये साइन माइनस आ रहा है, देखो इनिशियल माइनस फाइनल, इसलिए तो डिफरेंशियल फॉर्मेट हो गया हीट ट्रांसफर का, ये एवरेज फॉर्मेट हो गया, ये क्लियर। और ये क्या है, हीट ट्रांसफर पर सेकेंड, लिख लो इसको, फॉर्मूला सीख लिया तुम ही लोगों ने, डिराइव कर लिया। तो आज अच्छी बार माना ये कंप्लीट कर लेना इस चैप्टर, आज ही सॉल्व कर लिया। अगले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन के लिए टालते हो, इसलिए सब बैकलॉग जाता है। चलो एक अच्छा सवाल, जेई लेवल का सवाल करा देते हैं। और ऐसा सवाल ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी है, उसमें अभी नहीं पढ़ा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी सवाल ऐसा लूंगा जो भी पढ़ा रहा हूं। अच्छा यहाँ पे K is the thermal conductivity, this is property of material, ये लिख लेना, this is property of material। बच्चों ये रॉड ऐसा है, टेपर्ड रॉड है और हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहां पे टेम्परेचर T1, यहां पे टेम्परेचर T2, बच्चों मैं कहूं कि इस क्रॉस सेक्शन से हीट करंट H1 है स्टेडी स्टेट में, और कोई मेथड नहीं है हीट लॉस का, इससे H2 है। अच्छा एक रॉड को अगर हीट करेंगे तो और कौन सा मेथड होगा हीट ट्रांसफर का,
जिस प्रैक्टिकल सिचुएशन में, तो इसको हीट कर रहे हैं और खुला हुआ रेडिएशन से लॉस हो सकता है, कन्वेक्शन से लॉस हो सकता है. कन्वेक्शन क्या वो बताऊंगा मैं अभी, छोटा सा आइडिया. अगर कन्वेक्शन की बात करूं तो तुम लोग घर में फैन जो चलाते हो, पता है क्यों फैन चलाते हैं? तुम्हें गर्मी लगती है तो फैन चलाते हैं, व्हाट इज द रीजन? फैन ऑन क्यों करते हो? बिकॉज हमारे बॉडी का अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है ना, बाहर का टेम्परेचर, तो अंदर के टेम्परेचर से बाहर का टेम्परेचर पे हमारे बॉडी से हीट एनर्जी लॉस हो रहा है. सर वो एयर मॉलिक्यूल्स को पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है रूम में. अब क्या होता है, हमारे बॉडी से रेडिएशन, हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर और हमारे बॉडी का टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, स्किन के टेम्परेचर, तो रेडिएशन से एनर्जी लॉस बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम. ठीक है, तो मुझे एनर्जी लॉस कराना है तो अगर तुम फैन चलाते हो मतलब एयर सर्कुलेट करता है, जब एयर सर्कुलेट करता है तो एयर मॉलिक्यूल्स हमारे स्किन को टच करता है और वो एनर्जी को स्किन से हमें कुछ एनर्जी लेके चला जाता है, फिर और टच किया फिर लेके, तो ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी को टच करके मतलब क्रॉस कर. अदरवाइज अगर नहीं चल रहा तो क्या, एयर मॉलिक्यूल जो है मतलब यहीं पे है, बहुत ज्यादा मोशंस नहीं है, तो इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन. इसको हम लोग बस दो तीन मिनट और डिस्कस करेंगे. एनीवे, तो रेडिएशंस, तो हीट एनर्जी रेडिएशंस रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, इसको ना कवर कर देते हैं, कॉटन से कवर कर देते हैं. कभी कभी ऐसा देखोगे जिसके घर में, सबके घर में एसी लगा होगा, तो तुम देखोगे कि एसी का एक पाइप आता है बाहर से, जिसका मतलब स्प्लिट एसी है, कॉपर का पाइप होता है, देखो तो उसको कवर किया रहता है किसी चीज से, ब्लैक कलर का फोम टाइप का लगाता है, किसी ने देखा है, ध्यान दिया? Yes, sir. हाँ, sir. तो वो किस लॉस के काट को बचाने के लिए, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन लॉस को बचाने के लिए वो कवर करता है. ठीक है, तो अभी हमने इसको भी क्या किया, कॉटन लगा दिया है, ये इसका रेडिएशन से लॉस, कन्वेक्शन से लॉस नहीं. तो बताओ कि H1H2 में क्या होगा, स्टीरियो स्टेट में ही ट्रांसफर हो रहा है, कहोगे सर H1 इज इक्वल टू H2 होगा, है ना, बिकॉज इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा. अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट इस पॉइंट पे, टेम्परेचर ग्रेडियंट dT/dx 1 है magnitude, और यहां पे dT/dx 2 है टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्या होगा बच्चों? 1 greater than 2, 1 is greater than 2, एकदम सही जवाब है. क्यों ऐसा बोलेंगे कि 1 is greater than 2? एरिया का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. क्योंकि यहाँ पे h कांस्टेंट है, एरिया इस पॉइंट पे कम है, तो dT/dx बड़ा होगा. तो सवाल ऐसे आता है पता है कि सपोज यहाँ पे मैं छोटा सा लेंथ लेता हूं डेल्टा x का यहाँ पे, और इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा डेल्टा T1 यहाँ पे, और यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ लेते हैं अगेन डेल्टा x का, और यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा डेल्टा T2. बताओ कौन सा बड़ा है, डेल्टा T1 या डेल्टा T? T1 बड़ा है, डेल्टा T1 बड़ा है, बिकॉज पोटेंशियल टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा है, मतलब यहाँ फास्ट रेट से पोटेंशियल टेम्परेचर कम हो रहा है, तो सेम इक्वल डिस्टेंस में यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा होगा. क्लियर, अभी ये मैंने पढ़ा दिया, और जेई वालों ने पूछ दिया कि ये डेल्टा X1 डिस्टेंस है और ये डेल्टा X2 डिस्टेंस है, इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T है, और इसके बीच का भी टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T है, बताओ डेल्टा X1 डेल्टा X2 में क्या रिलेशन होगा?
टेम्परेचर डेल्टा एक्स टू ग्रेटर होगा, डेल्टा एक्स टू ग्रेटर होगा, इक्वल इक्वल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए इधर कम डिस्टेंस जाना पड़ेगा, इधर ज्यादा जाना पड़ेगा, बिकॉज टेम्परेचर ग्रेडियंट इधर कम इधर ज्यादा. इज इट क्लियर? ऐसे सवाल रहे. चलो बच्चों, तो ये जेई लेवल का सवाल मैंने शुरू में ही कर दिया है. एक और ले लें. क्योंकि तुम लोग खुद से तो सोचते नहीं हो. बच्चों एक रॉड है, बट इसकी कंडक्टिविटी के जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा. ये पॉइंट को x इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, x को x इक्वल टू l ले लेते हैं. यहाँ पे हाई टेम्परेचर T1, यहाँ पे लो टेम्परेचर T2. हीट इज ट्रांसफर्ड इन दिस वे. और जो थर्मल कंडक्टिविटी k है वो कुछ ऐसा है, k नॉट 1 प्लस x बाई l. डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल का डिफरेंट. हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन स्टेडी स्टेट. अब मैं बात करूं बच्चों यहां पे, डेल्टा एक्स डिस्टेंस लेते हैं और इसमें टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी वन. यहां पे एक लेते हैं डेल्टा एक्स डिस्टेंस, यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी टू. कैन यू टेल मी कि दोनों इक्वल होगा, डेल्टा टी वन डेल्टा टी टू, या डिफरेंट होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा. कौन ग्रेटर है बच्चों? क्रॉस सेक्शन क्या सेम है? कहोगे सर यहाँ पे क्या है, अगेन एच जो रहेगा वो सेम रहेगा, एरिया सेम है, तो के के इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे जा रहा है के इंक्रीज हो रहा है. के इंक्रीज होगा तो ये डी टी बाई डी एक्स डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा. के इंक्रीज कर रहा है तो डी टी बाई डी एक्स डिक्रीज होगा. मतलब यहां पे डी टी बाई डी एक्स क्या है, ज्यादा है, और यहां पे डी टी बाई डी एक्स, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, क्या नहीं, यहाँ पे dt by dx ज्यादा है, यहाँ पे dt by dx कम. ठीक है, यहाँ कम है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा t1 इज मोर. इज इट क्लियर? क्लियर ना बच्चों? ये छोटा तो dt by dx पर. चलो तो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला क्या लिखा, हीट करंट इज इक्वल टू लिखा के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन एल. इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, टी वन माइनस टी टू अपॉन एल बाई के ए. देखना बच्चों इसको रिलेट करो, आई इज इक्वल टू क्या था, वी बाई आर. सोचो एक रॉड है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी के है, क्रॉस सेक्शन या ए, लेंथ एल. बताओ ये किसका रोल प्ले करेगा, ये वाला टर्म? रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा. इस रॉड का अगर मैं पूछूं रेजिस्टेंस कौन सा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं, थर्मल रेजिस्टेंस. कौन सा? थर्मल रेजिस्टेंस. क्या कहोगे? एल बाई के. जैसा वहां था बच्चों, वहां भी था रो एल बाई ए, तो रो लेकिन रेजिस्टिविटी था. अगर मैं इसको लिखूं तो वन बाई सिग्मा था, तो कहानी सेम ही है. थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एल बाई ए, यहां भी एल बाई के, लेकिन ज्यादा फेमस यहां पे रो वाला है, तो ये रेजिस्टिविटी है, बट ये थर्मल कंडक्टिविटी है, तो देयर इज नो डिफरेंस. इज इट क्लियर?
बच्चों यहां तक क्लियर? यस सर। अब बताना, अगर मैं ऐसे पूछ दूं बच्चों यहां पे टेम्परेचर T1 है, यहां पे टेम्परेचर T2 है, इसका लेंथ L1, इसका लेंथ L2, क्रॉस सेक्शन लिया A, इसका भी A ही ले लिया, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2, मैं पूछूं व्हाट इज द हीट ट्रांसफर, H क्या हो, कैन यू फाइंड? कहने का मतलब बच्चों कि इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे दो रॉड है जो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़। तो इस दो रॉड को अगर हम रिप्लेस करेंगे एक रॉड से, इक्विवेलेंट रॉड से, तो उसका टेम्परेचर सॉरी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आर वन टी एच प्लस आर टू टी एच सीरीज में, तो इसको एक रॉड से रिप्लेस करें तो इसका कंडक्टिविटी हो जाएगा बच्चों L1 अपॉन K1 A प्लस L2 अपॉन A2, इज इट क्लियर? ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैं पूछूं कि इसका टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 है तो व्हाट इज द हीट करंट, वैसे ही हो जाएगा T1 minus T2 upon ये R equivalent L1 by K1A plus L2 by K2, this will be the heat current। आई बात समझ में? बोलो बच्चों समझ में आई बात ये वाला? Yes। हाँ। तो बस सीरीज में हीट का अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लियो, तो ये फटाफट कर लोगे सवाल ऐसे। एक और सवाल लेते हैं, देखते हैं सही सही सॉल्व करते हो तुम्हें। बच्चों एक रॉड है जिसका लेंथ L है, थर्मल कंडक्टिविटी K है, एक दूसरा रॉड है जिसका लेंथ L है, थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, एक तीसरा रॉड है जिसका लेंथ L है, थर्मल कंडक्टिविटी बोल दो, तुम ही बोल दो। 4K। चलो 4 के लिखते हैं। सपोज बच्चों इसको हमने रखा है 100 डिग्री सी पे, इसको रखा है सपोज 0 डिग्री सी पे, ठीक है ना? मुझे ना निकालना है कि इसका टेम्परेचर थीटा 1 क्या होगा और इसका टेम्परेचर थीटा 2 क्या होगा। दिस इज आवर क्वेश्चन। एंड वन मोर थिंग, जब हम टेम्परेचर लिख रहे थे बच्चों हीट करंट, यहाँ पे लिखा था T1 माइनस T2, T जनरली यूज करते हैं केल्विन में, तो अगर यहाँ पे थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिखूं तो चलेगा क्या? डिग्री में चलेगा? चलेगा, डिग्री में भी चलेगा, बिकॉज डेल्टा थीटा और डेल्टा टी वैल्यू तो सेम ही रहेगा। लिख लो इसको फटाफट, कोशिश करो कैसे निकालें इसको। इसमें मुझे निकालना है इसका इसका टेम्परेचर ये सब। एक काम करते हैं, अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखूं तो कितना लिखूंगा, एल बाई के प्लस एल बाई टू के प्लस एल बाई 4K, L by 4K कॉमन ले लेता हूं बच्चों, यहां से बचेगा 4 plus 2 plus 1, 7 L by 4K, is it correct? Yes sir. Yes sir. अरे बच्चों पूछता कि इसमें कितना हीट करंट हो रहा है, तो तुम कहते कि H is equal to हो जाता 100 by R minus 0 divided by 7 L by 4K। मैं बोलूंगा बच्चों कि इसमें कितना हीट करंट है,
सेम सेम होगा हीट करंट। देखिएगा मैं इसमें फॉर्मूला लिखूं तो कहूंगा कि इसका टेम्परेचर अगर थीटा वन है इसका, तो मैं लिखूंगा 100 माइनस थीटा वन डिवाइडेड बाई एल बाई के। इज इट करेक्ट? सो एल बाई के बच्चों चला जाएगा, तो 4 इंटू 100 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू, ये 7 इधर चला जाता हूं, 7 इंटू 100 माइनस थीटा वन। इज इट करेक्ट? सो 7 थीटा वन दैट इज इक्वल टू 300 बच्चों। थीटा वन कितना हो जाएगा? 300 बाई 7 डिग्री सी। सॉल्व कर लिया? हाँ सर। तो थीटा टू बच्चों बताओ कितना होगा? थीटा टू में बी बैच से किसी बच्चे से क्या होगा? बी बैच का कोई बच्चा, बी बैच का कोई बच्चा जल्दी से आंसर बताओ, व्हाट इज थीटा टू? 100/7 100/7 हर्षवर्धन ने बताया 100/7। बाकी बच्चे कंफर्म करें सही है क्या? यस सर। बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी इतना पढ़ा दिया तो क्या ही इसमें पढ़ा है? इसके सवाल फटाफट करोगे खुद से। बच्चों ये 4 रॉड है, इसका टेम्परेचर रखा T1, इसका टेम्परेचर रखा T2, एक और रॉड लगा दिया इधर, ठीक है? L L L L, K1, K2, K3, K4, K5, ठीक है? क्रॉस सेक्शन लिया A सबका, लेंथ L, 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 L। इसका L ले लो, नहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हें समझ में आ गया क्या पढ़ाने वाला हूँ? Wheatstone bridge. If K1 upon K2 is equal to K3 upon K4, तो can we say that कि मान लो ये point को ले लिया A, B, ये C और ये D. So what we can say बच्चों, TC is equal to temperature C and D. है ना? अगर this ratios are equal, तो TC is equal to TD आएगा। You can prove this. हम लोग already current electricity में prove किया है। That means no current, no heat current will flow through K5 rod. ऐसे सवाल कर लोगे? यस सर। तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से होगा वो मुझे लगता है कि आराम से कर लोगे। मैंने हिंट दे दिया। मिटा रहा हूं। अच्छे तो ऐसे सवाल होंगे ये कर लेना। अच्छा, हीट ट्रांसफर का बुकलेट मिला है कि नहीं? मिला है सर। यस सर। चलो तो अच्छी बात है, तो वो कर लेना ही ट्रांसफर का। तो 2 रॉड कनेक्टेड है सीरीज में, क्रॉस सेक्शन लिया ए। इसका अगर मैं पूछूं व्हाट इज द इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, तो बहुत आराम से बता दोगे, एल अपॉन K1A प्लस एल अपॉन K2। सही लिख रहा हूं ना?
अगर मैं बोलूं बच्चों कि इसको ना एक ही रॉड होता, एक यूनिफॉर्म रॉड होता, उसका के इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट लिखू, ऐसे लिख दू क्रॉस सेक्शन या ए, एक रॉड से रिप्लेस करोगे तो इसका लेंथ कितना लिखूंगा, 2L। कैसा होता? तो ये के इक्विवेलेंट क्या होता, मतलब एक रॉड से रिप्लेस करें इसको तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जो कि इसके बराबर है। तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस, क्लियर? यस सर। दैट मींस यहां से देखो ये इसका टू के लिखोगे क्या जाएगा, 1/k, 1 + 1/k 2, एल और ए तो जाएगा 2/k इक्विवेलेंट। तो ऐसे ही पूछता व्हाट इज द के इक्विवेलेंट ऑफ दिस, मिटा रहा हूं उसको, के इक्विवेलेंट का भी कंसेप्ट सीख लिया। अभी बच्चों हमने सीरीज का देखा तो पैरेलल का भी एक आध देख लें। यस, तो ये दो रॉड मान लो इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो मैं कहूंगा कि ये दोनों रॉड क्या है, कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है बच्चों। तो 1/r इक्विवेलेंट अगर पूछा जाए तो हो जाएगा 1/r1 + 1/r2। 1/r1 क्या हो जाएगा बच्चों, A1 A/L प्लस K2 A/L, है ना, दैट इज इक्वल टू K1 + K2 A/L, दिस इज 1/r इक्विवेलेंट। दैट मींस r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, L/K1 + K2 A, इज इट करेक्ट, क्लियर ना, r इक्विवेलेंट पूछा गया। अगर पूछा गया व्हाट इज के इक्विवेलेंट तो बता सकता है कि K1 + K2 होगा या K1 + K2 × A होगा, K1 + K2 / 2 होगा, क्या होगा? तो दोनों को एक रॉड से रिप्लेस करने वाले हो तो R इक्विवेलेंट लिखेंगे, लेंथ तो इसका L ही है, L/K इक्विवेलेंट, लेकिन क्रॉस सेक्शन या A नहीं लेकर के 2A लेना पड़ेगा, बिकॉज इतने क्रॉस सेक्शन का लेना। तो K इक्विवेलेंट जो हो जाएगा बच्चों K1 + K2 / 2 हो जाएगा। तो ये भी सीख लिया, बता दूं अगर इसे पूछा जाए मतलब हीट करंट कितना होगा, देखो इसमें R इक्विवेलेंट लिखने से अच्छा क्या है, हीट करंट। ओके सर, इसमें H1 इसमें H2 तो जाएगा H1 + H2, सिंपल सा। H1 क्या आ जाएगा, T1 - T2 / K1A, ऐसे लिख लेंगे। H2 क्या है, T1 - T2 ठीक है, इतना लिख लिया। तो ये सारे सवाल तुम बहुत आराम से कर सकते हो, तो आज बुकलेट खोलना, अगर बुकलेट मिल गया है तो उसके सवाल कर लेना, हीट ट्रांसफर मिटा दो इसको। नेक्स्ट ले रहा हूं बच्चों, देखते हैं इस बार तुम लोग सॉल्व कर पाते हो। देयर इज अ सिलेंडर एक ऐसा सिलेंडर है बच्चों जो कि कॉम्बिनेशन है एक होलो सिलेंडर और एक सॉलिड सिलेंडर का। तो एक आर रेडियस का सॉलिड सिलेंडर है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी सपोज
2k और एक थिक हॉलो सिलेंडर है जिसका इनर रेडियस r एंड आउटर रेडियस 2r है और इसका थर्मल कंडक्टिविटी है मटेरियल का k। बच्चों इसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है T1 एंड T2। तो सबसे पहले तो मुझे इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा ये निकालना है, हीट करंट क्या होगा ये निकालना है और के इक्विवेलेंट क्या होगा ये निकालना है, ये तीनों निकालना है। सोचो इसमें पैरेलल कनेक्शन है, कैसे कहेंगे पैरेलल कनेक्शन है, दोनों दो रॉड है दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। सो हीट करंट अगर लिखा जाए तो इसमें H1 होगा इसमें H2 होगा। पहला R केस पूछा है बच्चों तो क्या लिखेंगे 1 by R equivalent R1 हो जाएगा बच्चों L by K तो K के जगह पे 2K इंटू एरिया हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइड बाई एल लेंथ तो एल एम प्लस आर टू क्या आ जाएगा इसका थर्मल कंडक्टिविटी के क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है पाई इंटू टू आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आई होप कि ये सारे बच्चे जानते हैं अपॉन एल ये हो जाएगा 2k और यहां पे हो जाएगा 3k 5k पाई आर स्क्वायर। बताओ बच्चों सही लिखा है क्या? यस सर 1 बाय आर इक्वल हीट ट्रांसफर लिखोगे तो t1 माइनस t2 डिवाइड बाय दिस एच इज इक्वल टू t1 माइनस t2 डिवाइड बाय r इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 पाई आर स्क्वायर इनटू के टेंपरेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय एल दिस इज द हीट ट्रांसफर। मैंने पूछा के इक्विवेलेंट हाउ टू फाइंड के इक्विवेलेंट तो एक रॉड से रिप्लेस कर दिया तो के इक्विवेलेंट इनटू एरिया क्या रहेगा पाई इनटू टू आर का स्क्वायर रहेगा बच्चों टोटल एरिया ये समझना है पाई इंटू टू आर का स्क्वायर डिवाइड बाय एल ये एल एल गया पाई आर स्क्वायर गया ये फोर बचा के इक्विवेलेंट क्या आ रहा है फाइव के बाय फोर आ रहा है क्या यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं एरिया क्या पुट करेंगे ये पूरा एक रॉड से रिप्लेस किया सर के इक्विवेलेंट वापस बताइए ना के इक्विवेलेंट वापस बताते हैं ठीक है ये क्लियर मैम? यस सर। तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल टू फाइव के पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय एल। अब बच्चों इसको ना मैं एक रॉड बना रहा हूं एक रॉड तो सेप तो वही रखेंगे ना साइज इसका के इक्विवेलेंट इतना है। बताओ थर्मल कंडक्टिविटी क्या लिखूं वन बाय आर इक्विवेलेंट क्या होता है एल अपॉन के इक्विवेलेंट इनटू एरिया क्या लिखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया पाई इनटू टू आर का स्क्वायर सिंपल आ गया सर समझ में। ये सवाल पूछता है ऐसे के इक्विवेलेंट निकालना मिटा दूं मैं अभी तक तो बच्चों बच्चों वाला ही चल रहा था अभी तक मैं किसी में दम नहीं था कोई सवाल में
although बच्चों सिलेबस में जो दिया है वर्ड है हीट ट्रांसफर इन वन डायमेंशन, बट हो सकता है स्क्रीन ब्लॉक हो गया है. हाँ सर अभी ठीक हुई सर. चलो तो अभी ठीक हो गया, मैं आगे बढ़ता हूँ. बच्चों ऑल द सिलेबस में दिया हुआ हीट ट्रांसफर इन वन डायमेंशनल, बट सवाल ऐसे आ सकते हैं थोड़ा सा कंप्रिहेंशन करके दे सकता है और थ्री डी में हीट ट्रांसफर भी, तो वो भी मैं करा ही देता हूँ. जैसे अगर बच्चों मान लो एक थिक हॉलो स्फीयर जिसमें ये मटेरियल है, ऐसे सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगा, सेम ही कंसेप्ट रहेगा बच्चों. एरोडोम में उसके भी सवाल है, वो भी सवाल असाइनमेंट में दूंगा. अच्छा ये इनर टेम्परेचर सपोज थीटा वन पे आउटर इनर सरफेस थीटा वन पे आउटर सरफेस थीटा टू, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज के. अब इस केस में पूछे बच्चों की व्हाट इज द हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, ऐसे जा रहा है. एच क्या है या थर्मल रेजिस्टेंस इसका क्या है. द सेम कॉन्सेप्ट विल बी इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां सीख लो, वहां पर मैंने नहीं सिखाया था. तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि कोई भी क्रॉस सेक्शन या लो हीट करंट विल बी सेम बिकॉज वी आर स्टडिंग हीट ट्रांसफर इन स्टेडी स्टेट. एक काम करते हैं, एक आर रेडियस का एक स्फेरिकल सेल कंसीडर करें जिसका थिकनेस जो है वो डी आर. अब कहोगे सर आप हीट करंट के लिए डायरेक्टली थीटा वन माइनस थीटा टू, अच्छा ये रेडियस जो है ना सपोज ये आर वन ले रहा हूं रेडियस, अच्छा ये काम करता हूं रेडियस करो स्मॉल आर से डिनोट करता हूं, कैपिटल आर से रेजिस्टेंस को डिनोट करता हूं. स्मॉल आर वन रेडियस है और आउटर रेडियस स्मॉल आर टू है, तो अगर हीट करंट लिखना है तो कहोगे थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन एल, कितना हीट लेंथ जा रहा है आर टू माइनस आर वन इंटू के, लेकिन एरिया क्या लिखे तो फंस जाएंगे ना, डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे. ये लिखते थे ना के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल, हीट कितना दूर चला. So, क्या हम डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, दैट्स व्हाई हम ये ड्रॉ कर रहे हैं. ये समझना है कि व्हाई इंटीग्रेशन का हेल्प क्यों लेना पड़ेगा. मैं क्या करता हूं, मैं यहां से हीट ट्रांसफर लिखता हूं, इससे कितना हीट ट्रांसफर होगा इससे तो लिख लेते हैं, एच एच तो सबके साथ सेम ही होगा. अब बताओ यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस सपोज डी थीटा है, तो के एरिया क्या लिख लेंगे यहां पे 4 पाई आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, इज इट करेक्ट.
बच्चों अगर मैंने यहाँ पे थीटा लिखा और यहाँ पे लिखा थीटा प्लस डी थीटा है ऐसा लिखा और हीट ट्रांसफर का डायरेक्शन में अगर इधर मान रहा हूं तो माइनस डी थीटा बाई डी आर होगा, दिस माइनस दिस। चलो बच्चों अब क्या करें, इंटीग्रेट। लेकिन इंटीग्रेट कैसे करें, d थीटा भी है r भी है dr भी है, h इज कांस्टेंट। यस तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, एक तरफ के वेरिएबल एक टाइप के वेरिएबल तो एक तरफ h इनटू dr बाय आर स्क्वायर, अगर इसको भी लाना है तो ऐसे ले लो 1 बाई के इंटू 4 पाई दैट इज इक्वल टू डी थीटा। क्लियर? अब यहां से लिख लेंगे h टू दी कांस्टेंट, बच्चों h को इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे बिकॉज h हर क्रॉस सेक्शन से सेम है, h को बाहर ले लेंगे h अपॉन 4 पाई k dr बाय r स्क्वायर माइनस 1 बाय r है ना, r1 से r2 तो माइनस 1 बाय r, तो पहले लिख लेते हैं 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू दैट इज इक्वल टू डी थीटा, थीटा वन से थीटा टू क्योंकि माइनस साइन है तो थीटा वन माइनस थीटा टू, अदरवाइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना। सो एच यहां से आ गया बच्चों, व्हाट इज एच, एच इज इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइड बाई 4 पाई के, नहीं 1 बाई 4 पाई के 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर, इज इट क्लियर? आर टी एस क्या हो जाएगा यहां पे 1 बाई के 4 पाई वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, बच्चों सही लिखा है? और अगर सोचो कि ये थिन होता मतलब बहुत थिक नहीं होता तो ये होता आर टू माइनस आर वन अपॉन के इंटू 4 पाई आर वन आर टू, तो 4 पाई आर वन आर टू मतलब आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये अगर मान लो आर वन आर टू लगभग बराबर है तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया और आर टू माइनस आर वन ये लेंथ, तो एल बाई के ए यही फंडा रहेगा। यू शुड रिमेम्बर कि इस टाइप से थर्मल रेजिस्टेंस ही आ जाएगा। चलेगा ये? बच्चों ये ध्यान में रख लो, अगर ये ध्यान में रख लिए तो एक अच्छा सा सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ यार कि ये जेई में सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, सिलेबस में स्पेशली लिखा है हीट ट्रांसफर इन वन डायमेंशन, बट कॉम्प्रिहेंशन में करके दे सकता है ऐसे, क्योंकि आईटी आजकल ऐसा करने लगा है, चांसेस बहुत कम ही है।
तो एक होलोस्फीयर है जिसमें इनर रेडियस ए से लेकर के आउटर रेडियस 2a तक में एक मटेरियल जिसका थर्मल कंडक्टिविटी 2k है और 2a से 3a में जो मटेरियल है इट्स हैड थर्मल कंडक्टिविटी k। और मैं पूछूं बच्चों कि यहां पे टेम्परेचर सपोज 2 थीटा नॉट है और यहां पे टेम्परेचर थीटा नॉट है तो बताओ हीट ट्रांसफर कितना है। हीट ट्रांसफर कितना है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम टू सॉल्व दिस। बच्चों बताना, कैन बी अज्यूम दैट कि ये दो रजिस्टर है बच्चों, एक ये और दूसरा ये। इसका रेजिस्टेंस अगर मैं आर वन लिखूं तो कोई मुझे बताएगा आर वन, एनी वन, कौन से किससे पूछूं मैं? सर सारे बच्चे प्रेजेंट आज तो मैंने देखा भी नहीं अटेंडेंस, देखो निकलना शुरू कर दे। गौरव मदनानी आर वन बताओ क्या लिखूं, आर वन 1/2k 1/8πk into 1/2a 1/r1 is 1/8 minus r2 is 1/2a क्या आ जाएगा ये 1/8πk into 1/2a 1/8 8 के जगह 16 लिख लें 16 k πa इज इट करेक्ट ना, 1/2 और R2 कितना लिखेंगे, व्हाट इज R2? K into 4 pi 1/2a minus 1/3 ठीक है तो 3 minus 2 1 क्या हो जाएगा 1/k into 4π into 6a सही लिख रहा हूँ ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा यार? करेक्ट है। सो हीट ट्रांसफर कितना होगा यहां से, एच इज इक्वल टू कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, एच इज इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू 2θ0 minus θ0 अपॉन आर वन। सर वो आर टू के केस में के और टू के सीरीज में आएंगे ना, के इक्विवेलेंट ये और ये कैसे सीरीज में, आर वन प्लस आर टू हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये थीटा नॉट डिवाइड बाय सर वो नहीं बोल रहा, वो आर टू लिखा है ना सर आपने। अच्छा ये आर टू यहाँ पे गया, हाँ उसमें के इक्विवेलेंट आएगा ना, आर टू क्या आएगा के, इसका क्या ना के है और इसका 2k है तो इतने का रेजिस्टेंस लिख रहा हूं, इतने का, इतना R1 इसका R2 okay. तो k इक्विवेलेंट मतलब इसका k कितना लिखा है, k लिखा है
इसका टू के लिखा देते हैं, टू के लिखा, सही लिखा ना, थीटा नॉट अपॉन आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू कर लो कितना आ जाएगा, वन बाई सिक्सटी पाई ए इंटू के प्लस वन बाई ट्वेंटी फोर पाई ए इंटू के, और ये सॉल्व करके फाइनली बता दोगे कि हीट हीट करंट कितना होगा, ठीक है ना। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल ये पूछा जा सकता है कि हीट करंट तो निकाल ही लिया, इसका टेम्परेचर थीटा वन क्या होगा, इंटरफेस का टेम्परेचर क्या तुम लोग कैपेबल हो अब निकालने के लिए? यस ठीक है ना। अगर सिर्फ इंटरफेस का टेम्परेचर ही पूछा जाए तो तुम्हें ये इतना निकालने की भी जरूरत नहीं कि ये हीट करंट, तुम डायरेक्टली कहोगे कि जितना हीट करंट इससे होगा उतना हीट करंट इससे होगा, इसका टेम्परेचर हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, टू थीटा नॉट माइनस थीटा वन अपॉन आर वन दैट इज इक्वल टू, इसका लिखोगे थीटा नॉट अपॉन आर टू, ठीक है ना। और आर वन आर टू तो पता ही, वन बाई आर वन क्या हो जाएगा, सिक्सटीन पाई के, यहाँ पे लिख लोगे इतना तो हो जाएगा सॉल्व। यस सर, सिक्सटीन पाई के ए टू थीटा नॉट माइनस थीटा वन वन बाई आर टू, वन बाई आर टू हो जाएगा बच्चों ट्वेंटी फोर पाई के इंटू ए थीटा वन माइनस थीटा नॉट, और एक लाइन में सॉल्व कर लोगे। तो ये जो फॉर्मूला हमने बताया ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक बार और देख लो। तो इसमें जो सवाल पूछेंगे वो वही पूछेगा बच्चों कि कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है नेट या इंटरफेस का टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। एक ऐसे भी टाइप होता है बच्चों, सवाल आता है कि सपोज इधर जो है ना ये आइस रखा हुआ और यहां पे सपोज 100 डिग्री सी और ये रॉड है जिससे हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक ऐसे सवाल है। अगर सिर्फ ये रॉड लगाया तो ये आइस जीरो डिग्री सी से जीरो डिग्री सी, आइस से जीरो डिग्री सी वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सपोज एम के जी मास टी वन टाइम में कन्वर्ट हो रहा है, एम के जी मास टी वन टाइम में कन्वर्ट हो रहा है, कहेगा कि वन नहीं रॉड टू लगा दिया तो एम के जी मास टी टू टाइम में मेल्ट हो रहा है, एम के जी वाटर फॉर्म हो रहा है टी टू टाइम। अब कहेगा कि वन और टू दोनों लगा दिया तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू मेल्ट एम के जी ऑफ वाटर, ये बच्चों ऐसे सवाल मैं बच्चों पे छोड़ देता हूं खुद से करने के लिए। कैन यू डू, मतलब खुद से सोच सकते हो क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों पहले जो है अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द हीट करंट, तुम कहोगे सर एच अगर हीट करंट है और टी वन टाइम लिया तो एच इंटू टी वन, एच वन लिख लेता हूं फर्स्ट केस में, एच वन इंटू टी वन ये जो हो जाएगा एम एस इंटू डेल्टा, सॉरी एम इंटू एल, चूंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, एम इंटू एल। दूसरा क्या लिखूंगा, एच टू हीट करंट सेकेंड केस में एच टू इंटू टी टू दैट इज इक्वल टू एम इंटू एल, और बाद में मुझे क्या चाहिए, बाद में हीट करंट कितना हो जाएगा एच वन प्लस एच टू, एच वन प्लस एच टू,
हीट करंट हो जाएगा एच वन प्लस एच टू इंटू टी दैट इज इक्वल टू एम इंटू एल. बात सही लिख कर रहा हूं. तो बताओ ये एच वन को क्या लिख लू. एच वन को लिख ले एम एल बाई टी वन. एच टू को लिख लू यहां पे एम एल बाई टी टू इंटू टी दैट इज इक्वल टू एम इंटू एल. सो वन बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई टी वन प्लस वन बाई टी टू. कैन आई एक्सपेक्ट किए बच्चे तुम लोग खुद से कर सकते थे. और ये ना जेई मेन में एमएसटी सीईटी में बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा. मतलब एमएसटी सीईटी के लिए बड़ा सवाल हो जाएगा, जेई मेन में होगा और मेडिकल वालों के लिए तो बड़ा फेवरेट सवाल होता है. अगर इसी को कह दिया जाए कि ये मेल्ट किया यही कहानी रहेगा, बट ये दोनों को क्या कर दिया जाए सीरीज में जोड़ दिया जाए. बच्चों क्या कुछ निकाल पाएंगे हम लोग ट्राई करना कितने टाइम में एम के जी वाटर होगा. सर्टेनली टी वन टी टू से तो ज्यादा ही टाइम होगा. अभी क्या होगा टी वन टी टू से कम टाइम आएगा इस केस में. चलो बच्चों तो आज का सेशन यहीं तक. नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाऊंगा वो बता देता हूँ. नेक्स्ट क्लास में जो होगा बच्चों इसी में थोड़ा सा वेरिएशंस रहेगा कि एक हाई टेम्परेचर पे है दूसरे लो टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर हो रहा है तो एक का टेम्परेचर घटेगा दूसरे का बढ़ेगा कितने देर में क्या टेम्परेचर होगा. एंड एक फ्रीजिंग ऑफ लेक करके कंसेप्ट होता है लेक का फ्रीज होना. सर्दियों में जानते हो जैसे जम्मू कश्मीर में जाओगे तो लेक जो हो जाता है नीचे वाटर होता है ऊपर आइस आइस बन जाता है. तो फ्रीजिंग जो स्टार्ट हुआ सपोज तो कितने देर में कितना थिकनेस तक वो फ्रीज कर जाता है. तो ये सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे. यू कैन ऑल्दो सॉल्व अचीवर वाइज सॉल्व कर सकते हो या खुद से पढ़ सकते हो. बच्चों सॉल्व एग्जाम्पल कंडक्शन का देख लो सारे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन सॉल्व एच सी वर्मा क्वेश्चन नंबर वन से लेकर के क्वेश्चन नंबर 33 वन टू 33 यू कैन ट्राई एच सी वी. देखते अगर कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में डाउट मिल लेंगे. बाय बच्चों आज के लिए इतना ही.